हाई गाइज व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग सो so, आज का वीडियो होने वाला है ये प्यारा सा मेकअप लुक एंड ये मेकअप लुक किस डे के लिए है ये तो आपको टाइटल से पता लग ही गया है बट गाइस अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि ये मेकअप लुक मैंने ओनली सेवन प्रोडक्ट से क्रिएट किया है सो इफ यू वॉन्टेड टू नो हाउ आई कट दिस लुक देन कीप ऑन वॉचिंग एंड आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आज मैं जो टॉप पहनी हूँ ये मित्रा है बहुत ही प्यारा एंड स्टाइलिश टॉप है इनकेस अगर आपको पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिंक आपको मिल जाएगा सो लेट स्टार्टेड सो so फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र एंड ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है इसे मैं अपनी फेस एंड नेक पे अप्लाई करूंगी आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है आप उसे ही यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फेस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं एंड एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं दिन मैं अप्लाई करूँगी लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड नहीं है बट बहुत अच्छा एक प्राइमर है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखता है एंड साथ ही साथ इसमें हल्का सा एक टेंड है तो उसे मैं अपने फेस एंड नेक पर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी क्योंकि नेक पे भी मैं थोड़ा सा सी सी क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ इसलिए एंड देन मैं अप्लाई करूँगी लैक में नाइन टू तो फाइव सी सी क्रीम आपके पास जो भी है सी सी क्रीम बीबी क्रीम आप उसे ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर आ, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके पास एक ऐसा फाउंडेशन जरूर होगा जो आपके स्किन टोन से एक सेट लाइटर है तो उसका ही आप एक लेयर अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट एंड उसे मैं अप्लाई करूँगी दैन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी एंड फाउंडेशन के बाद हमें अप्लाई करना है कंसीलर बट ये मैं लाइट मेकअप करूँगी तो कंसीलर को स्कीप कर दूँगी बट अगर आपके अंडर आई डार्क है एंड आपके फेस पर कहीं पर भी डार्क स्पॉट है तो आपको कंसीलर यूज करना चाहिए तो आप अगर कंसीलर को स्कीप कर रहे हो तो आप जो फाउंडेशन शीशी क्रीम या फिर बी वी क्रीम यूज कर रहे हो उसी का एक लेयर आप सिंपली उस स्पॉट पे अप्लाई कर देना देन एक टाइम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लेना एंड ये स्टेप आपका कंसीलर का भी काम कर लेगा सो यहाँ पर मैंने सेम सीसी क्रीम को अप्लाई किया है अपने अंडर आई एंड आई पर एंड थोड़ा सा नोज़ पर एंड उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप चाहे तो आपके फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं सीसी क्रीम को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा है फेस को मैट कर देता है बट अगर आपके पास कोई और दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप उसी से ही आपका मेकअप सेट कर सकते हो या फिर आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आप फाउंडेशन और सी क्रीम बेबी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ कर सकते हो उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करूँगी एंड का ये मेकअप लुक मैं ओनली सेवन प्रोडक्ट्स से ही क्रिएट करूँगी तो मैं अलग से कोई भी कॉन्ट्रोल पैलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके पास अलग अलग पैलेट भी नहीं होगा एंड होगा भी तो आपको अच्छे से उसे अप्लाई करना भी नहीं आएगा तो आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है उसमें से आप एक ब्राउन शेड लेकर अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर सकते हो कॉन्ट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सो so, मैं यहाँ पर ब्राउन सेट से अपनी हॉलोज ऑफ चीक जॉ लाइन नोज एंड थोड़ा सा फोरवर्ड को कंट्रोल करूँगी एंड अगर आपको लगता है कि आपको कंट्रोल स्किप करना चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं बट कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर इसे फॉलो करिए सो so, उसके बाद मैं अपने यहाँ पर थोड़ा सा नोज़ को कंट्रोल करूँगी एंड नोज पर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अप्लाई कर लिया था तो नोज़ को नोज़ पे अप्लाई करने के बाद मैं एक सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी उसे जो ज़्यादा मैंने अप्लाई किया था वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड लुक अच्छा आएगा दिन मैं अप्लाई करूंगी ब्लश एंड यहाँ पर ब्लश के लिए भी मैं सेम पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ उसमें से एक पीछे पिंक शेड लेकर मैं अपने ब्लश के लिए अप्लाई करूँगी एंड इस सेट में थोड़ा सा सीमर पार्टिकल्स है तो थोड़ा सा हल्का सा ग्लो भी मिल जाएगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा अप्लाई करना नहीं है क्योंकि ये मेकअप लुक बहुत ही लाइट होने वाला है बट मुझे थोड़ा सा ब्लशी लुक चाहिए तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लश की कलर ऐड कर रही हूँ एंड आप चाहे तो आप टिप ऑफ द नोज़ भी अप्लाई कर सकते हो उसे भी आपका जो लुक है बहुत ही क्यूट हो जाएगा एंड थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड गाइस आप देख सकते हो ये आई सैटो पैलेट कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो ये एफोर्डेबल भी है एंड मल्टीटास्किंग है तो आपके बहुत सारे काम के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड आपको एक्स्ट्रा पैलेट भी नहीं लेना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक चॉकलेट ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं आईब्रो कितना अच्छे से ड्रॉ हो गया है एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मैं लाइटली लेकर मैं प्लेस कर रही हूँ कलर को एंड आईब्रो को ड्रॉ करने के बाद मतलब आईब्रो पर अप्लाई करने के बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से उसे ब्लेंड भी करूँगी ताकि जो भी मैंने पाउडर अप्लाई किया है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए एंड बहुत अच्छे से एक लुक आए एंड एक्सेस भी ना रहे इसलिए अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप आईब्रो पेंसिल से आपकी आई को ड्रॉ कर सकते हो या फिर अगर आप ब्लैक सेड से अपने आईब्रोज को ड्रॉ करते हो तो आप डेफिनेटली ब्लैक आई सैडो सेड से ही ड्रॉ कर सकते हो मैं यूजुअली ब्राउन सेड से ड्रॉ करती हूँ तो इसीलिए मैंने डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड ही यूज़ किया हो एंड उसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप तो यहाँ पर मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ जिससे मैं अपनी फेस की कॉन्ट्रोल किया था उसी सेट से मैं अपनी आईब्रो करूँगी एंड यहाँ पर मैं एक सेट को अपने फुल आईलिट पर अप्लाई करूँगी एंड ट्रांजिशन कलर के लिए भी यूज़ करूँगी सेम सेड को क्योंकि आज की आई मेकअप बहुत ही लाइट होने वाला है साथ ही साथ वायर भी होने वाला है क्योंकि आज का ये मेकअप लुक ही बहुत ही लाइट होने वाला है इसलिए मैंने आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया बट मुझे मेरे आइज पर थोड़ा सा कलर चाहिए था इसलिए मैं थोड़ा बहुत कलर ऐड कर रही हूँ एंड उसके बाद मेरी ड्रेस रेड कलर की है तो मैं यहाँ पर रेड शेड लेकर अपने आईलेट पे अप्लाई करूँगी एंड रेड सेड को भी मैं सेम अपने फुल आईलेट पे अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर आउटर वी एंड साथ ही साथ मिड आई लिंग पर भी एंड आज का जो आई मेकअप है ये टू कलर से ही हो जाएगा एंड आप चाहे तो थोड़ा सा सीमर पार्टिकल्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो एंड उसके बाद मैं रेड एंड ब्राउन शेड को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी एंड देन मैं ब्राउन शेड से शेड को अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लेस लाइन पर ताकि जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए एंड अच्छा लगे देखने में देन उसके बाद मैं रेड शेड को सिंपली अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लेस लाइन पर एंड आज का जो आई सो आई साइडो का काम यहीं पर ख़त्म एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एस क्यू का काजल आपके पास जो काजल है आप उसी से ही अप्लाई कर सकते हैं तो उसे मैं अपने लोअर लेस्ट लाइन पे एंड साथ ही साथ मैं अपर लेस्ट लाइन पे भी अप्लाई करूँगी एंड काजल भी मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी जस्ट एक लाइन ड्रा करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड आई मेकअप नहीं चाहिए आज एंड काजल को अप्लाई करने के बाद मैं फिर से आई साइडो पैलेट से एक ब्लैक सेट लेकर लाइनर ड्रा करूँगी आप आपके पास अगर लाइनर है तो आप लाइनर से ही ड्रा कर सकते हैं बट आज की ये मेकअप लुक मैं ओनली सेवन प्रोडक्ट से करने वाली थी तो इसीलिए मैंने अलग से लाइनर को स्किप कर दिया एंड मैं सेम एक ब्लैक आई शेडो से ही अपनी लाइनर को ड्रॉ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेरी लाइनर ड्रा हुआ है एंड साथ ही साथ मैं उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी स्मच कर लूँगी ताकि लुक थोड़ा सा स्मजी आए दैन मैं अपनी लेसेस को कर्ल करूँगी आई लेस कलर की हेल्प से एंड अगर आप फॉल्स लेसेस स्किप करोगे तो डेफ़िनेटली आप लेस कलर्सर्स आपकी आई लेसेस को अच्छे से कर्ल कर लेना देन एक अच्छा मस्कारा यूज़ कर लेना मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वट एंड वाइल्ड मैक्स वॉल्यूम मस्कारा ये मस्कारा बहुत अच्छा एक मस्कारा है लेसेस को एक अच्छा लेंथ मिलता है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं ऑफ कैमरा फॉल्स लेसेस भी पहनूँगी जस्ट बिकॉज वीडियो के लिए बट आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं ज्यादातर कर देते हैं स्कीस को पहनना देन मैं करूंगी हाईलाइटिंग एंड पर सेम आई सेडो पैलेट से एक रोज गोल्ड सीमर सेट लेकर हाईलाइटिंग कर रही हूँ एंड आप पिगमेंटेशन देख सकते हो कितना नेचुरल ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे एंड यहाँ पर मैं अपने चीक बोन नोज क्यूपी बो नोस, फोर हेड एंड ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइटिंग करूंगी एंड हाईलाइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है एंड मेकअप में हाईलाइटिंग करना ही चाहिए तभी एक अच्छा सा ग्लो मिलेगा एंड आपके पास अगर अलग से हाईलाइटिंग पैलेट है तो आप डेफिनेटली उसे ही कर सकते हैं बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप स्किप भी मत करिए आपके पास जो भी आईसाडो पैलेट है उसमें एक सेट ऐसा होता ही है गोल्डन या फिर रोज गोल्ड जो जिसे आप हाईलाइटिंग ईजीली कर सकते हो एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरे फेस को हाईलाइटिंग किया है ये आईसाडो पैलेट एंड ये आई साडो पैलेट बहुत अच्छा है गाइज आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैंशन कर दूँगी लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर दो ऑप्शन दूंगी आप चाहे तो न्यूट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप चाहे तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं मैं फर्स्ट यहाँ पर न्यूट कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं रेड कलर अप्लाई कर लूँगी जस्ट बिकॉज़ आई लव रेड लिपस्टिक सो गाइज दिस इज अ फाइनल लुक एंड मुझे लुक काफी ज्यादा पसंद आया है एंड आप इस लुक को सिर्फ वैलेंटाइन डे दे और डेट पे नहीं आप इस लुक को किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हो एंड मैंने इस लुक के साथ एक ऐसा आई मेकअप किया है जो कि हर एक आउटफिट के साथ ईजिली कैरी हो जाएगा एंड हेयर स्टाइल के लिए आप अपने पसंद के कुछ भी कर सकते हो मैंने अचानक से अपने बैंग्स कट कर ली तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई एंड एक्सेसरीज के लिए भी आप कुछ आपके हिसाब से पहन लेना आपके आउटफिट के हिसाब से आपके पसंद सो so गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है लुक पसंद आया है तो मेक श्योर करना कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करोगे साथ ही साथ कमेंट भी करोगे एंड चैनल पे पहली बार आए हो वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड अगर सब्सक्राइब करते हो तो उसके बगल पे एक बेल बटन आएगा उसे भी आप जरूर क्लिक कर देना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हेयर इज माई इंस्टा हैंडल एंड ऑल्सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so जाओ इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो जाओ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे लव यू ऑल Bye.